हेलो गाइस, आप सभी का अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में स्वागत है। तो गाइस, शाह पॉलीमर लिमिटेड आईपीओ का कल है लास्ट डेट और ये वीडियो आपके लिए होने वाली है फाइनल डिसीजन कि यहाँ पे हमें इस आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। छोटी सी कंपनी, ठीक ठाक सी कंपनी, ठीक ठाक से फाइनेंशियल्स, बढ़िया स्टेबल बिजनेस, क्या इसमें पैसा बन सकता है लिस्टिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हमें क्या इसमें लगाना चाहिए लगाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और डिसीजन भी। तो आपको करनी है दो इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर अपडेट हमेशा आती रहती है। और अगर जो आप बड़े कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, टॉप स्टील पाइप एंड कलरिंग कोटिंग की कंपनी, बहुत ही शानदार, बड़ी बड़े कंपनियां इसकी कस्टमर है गाइस, इसको चूकना मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। यहाँ पे गाइस डेट्स आपको पता होंगी, 30 से ओपन होता है, 4 जनवरी क्लोज होगा, यानी 2022 में ओपन होता है, 2023 में क्लोज होगा। अलॉटमेंट इसकी 9 जनवरी को रहने वाली है, लिस्टिंग 12 जनवरी की, 10 की फेस वैल्यू पे ₹65 प्राइस बन रखा गया है जो कि स्टैंडर्ड फेस वैल्यू है, और सिर्फ 66.30 करोड़ का यहाँ पे ये आईपीओ है। ये एसएमई कैरियर के आईपीओ में लिस्ट हो सकता था लेकिन इसने चूज किया मेनलाइन आईपीओ, ये एक पॉइंट है जो क्लिक करना चाहिए क्योंकि 100 करोड़ से नीचे कंपनी ना मोस्टली नहीं, 99.9% लिस्ट होती है एसएमई कैटेगरी में, बट इन्होंने चूज किया और इन्होंने तिकड़म बिलाया और मेनलाइन आईपीओ में हो लिस्ट हो रही है। मेनलाइन आईपीओ मतलब जो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होता है, और जो सिर्फ एक पे लिस्ट होता है वो एसएमई कैटेगरी, ये सबसे सिंपल भाषा है, बाकी बहुत सारी चीजें चेंज होती है कभी बताएंगे। तो यहाँ पे जो एक लॉट है वो 230 शेयर का रहने वाला है, जिसके लिए ₹14,950 करने पड़ेगा रिटेलर्स का, स्मॉल एचएनआई के लिए 3220, बिग एचएनआई के लिए 15,410 शेयर एक लॉट में रहने वाले हैं। यहाँ पे जो रजिस्टर है वो लिंक्डइन टाइम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ठीक है कंपनी के हिसाब से, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके हिसाब से, मतलब 4.38 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट कमाया था और 81 करोड़ का हमें 2022 में इन्होंने रिवेन्यू जनरेट किया था, तो उसके हिसाब से ठीक ठाक कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर जो जून क्वार्टर की बात करूँ तो 27.59, इस हिसाब से ये 100 करोड़ आराम से पार कर जाएगी, एक साल 2022-23 का फाइनेंशियल डेटा देखोगे आप, और 1.25 करोड़, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा पार कर जाएगी। तो अगर जब ओवरऑल आपने रिव्यू देखा होगा ना, तो ओवरऑल रिजल्ट इसका क्या है, प्रॉफिटेबल भी बढ़िया है, रिवेन्यू भी बढ़िया जनरेट कर रहा है, एसेट बढ़िया है, नेटवर्क भी बढ़िया है। यहाँ पे डेथ का जो चक्कर है तो इस डेथ के लिए 66 करोड़ जो पैसा उठा रहा है ना, पूरा पूरा डेथ चुका देंगे, तो ऑलमोस्ट डेथ फ्री हो जाएगी। तो कंपनी यहाँ पे हर एक पहलू पे बढ़िया देने मिल रही है। ये कंपनी में बस पिटाई होगी तो सिर्फ इसकी सब्सक्रिप्शन की वजह से, ठीक है। वैल्यूएशन भी थी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ₹2.81 इसका अर्निंग पर शेयर है, जो पी रेशियो देखने को मिल रहा है हमें वो 23 का देखने को मिल रहा है, R1W 16.42, NAV हमें 17.09। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो बहुत महंगी नहीं, बहुत सस्ती नहीं कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक सा है। तो यहाँ पे हर एक पहलू पे कंपनी ठीक ठाक से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे छोटी कंपनी होने के बाद भी इसकी पिटाई हो रही है सब्सक्रिप्शन में। बट डे 4 यानी कि लास्ट डे बचा हुआ हमारे पास, सब्सक्रिप्शन डिटेल आपको दिखाऊं मैं, तो ये ओवरऑल जो सब्सक्राइब हुआ है आज के दिन 3 जनवरी तक 5.35% होता हुआ दिखा है। रिटेलर्स ने 16.53 कर दिया क्योंकि सिर्फ 10% कोटा है, QIBs ने 1.05 टाइम 75% कोटा इनके पास, और AIIs ने भी अपना 6.49, और यहाँ पे दोनों ने लगभग 6.40 और 6.68 लगाया है, 10 लाख से ऊपर वाले, 2 लाख से 10 वालों ने। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर भी पैसा डाल रहे हैं, लेकिन डे 4 यानी कि जो चौथा दिन है वो बचा हुआ है हमारे पास, और इसमें सब्सक्रिप्शन तो दे सकता है। आईपीओ के साइज के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन 40-50 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे इसमें आपको बढ़िया गेन देखने को मिल जाएगा, और अगर जो कम होता है तो यहाँ पे आपको इसकी पिटाई होती हुई दिख सकती है। एंड गाइस, अगर जो बात करें इस ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भाई ₹3 से ₹5 निकलता दिख रहा है, तो कोई खासा डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट में भी, ₹8-10 तक गया था, बट खेल हमें होता हुआ दिख रहा है ग्रे मार्केट में भी। तो यहाँ पे गाइस जो डिसीजन भी है वो मैं आपको बता दूं कि वही 40-50 करोड़ का जो सब्सक्राइब होता है तो ठीक है, अदरवाइज को हम इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारे आईपीओ 2023 में आने वाले हैं, इसकी ही लिस्ट जो है जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, साथ में कई सारे शेयर के सजेशन मिल जाएंगे आपको। तो गाइस जरूरी नहीं कि हर एक आईपीओ में लगाए और हम पैसा फंसाए ही, ठीक है। अगर जी एसएमई करके नहीं आता तो हो सकता था सब्सक्रिप्शन बंपर होता और अच्छा कर जाता, पर अभी एक दिन बाकी है इसलिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख लेंगे। अगर जो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक बार फिर से आपको टेलीग्राम पे, जहाँ आपको रेगुलर बंपर कॉल देने मिल जाती है, लास्ट जनवरी में एक दो दिन से नहीं दिया मैंने क्योंकि मैं बाहर था, 16.7 का सब्सक्राइब देने मिल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखो आपको लेवल्स दिए जाते हैं, निफ्टी बाय निफ्टी स्टॉक ऑप्शन कॉल दी जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके ज्वाइन करना, या फिर आप फाइन कर सकते हो सेम एसडीपी के साथ जुड़ना, फेक चैनल से बच के रहना, यहाँ पे आपको कॉल देने को मिल जाएगी। और कल इस पे एक बार फाइनल डिसीजन मैं फिर से दे दूंगा 12-12:30 के आसपास कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, मान लो 2-2:30 बजे तक, जैसा जिस टाइम मुझे सही लगेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, हाँ बट 3 बजे के पहले पहले आपको जरूर बता दूंगा कि इसमें फाइनली अवॉइड करना है नहीं करना है। अगर जो 40-50 गुना सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा होता है तो आप खुद से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा सा रह जाएगा, स्मॉल रिस्क के साथ स्मॉल गेन के लिए हम जा सकते हैं। अगर जो आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। करते हैं वीडियो का।